दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड आप बड़े ही आसानी से कैसे चेंज कर सकते हैं। आप पीछे में देख सकते हैं दोस्तों कि वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज हो पा रहा है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजाना टेक में। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, क्योंकि काइन मास्टर से सबसे अच्छा क्वालिटी में वीडियो का बैकग्राउंड चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आपको रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, जो यूट्यूब के लिए रेशियो है 16:9, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कहाँ से क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड चूज करना है, तो कोई एक बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो मैं एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, इस तरह से आपको बैकग्राउंड को ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना, देखिए मेरा इस तरह से बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। अब आपको जिस वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज करना है उसको लेयर से आपको लेना है, ठीक है। तो लेयर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जो भी वीडियो आपके मोबाइल में है जिसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है उसे ले लेना है, ठीक है। तो मैं कोई एक वीडियो को ले लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं एक वीडियो को ले लिया, देखिए मेरा वीडियो आ चुका है। इसके बाद आप इसे एडजस्ट कर ले, यदि ये बड़ा है तो इसे क्रॉप करके, यहाँ से क्रॉपिंग करके इसे छोटा कर लेना है आपको, इस तरह से छोटा कर लेना है। वीडियो कहीं भी इसके मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। देखिए इसको क्रॉप करके आपको यहाँ पे ओके कर देना है, उसके बाद वीडियो को एडजस्ट करना है कि आपको वीडियो कहाँ पे रखना है, ठीक है। देखिए मैं वीडियो को यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, नीचे पे ले आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, देखिए मेरा वीडियो आ चुका है। आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए आपको नीचे में क्रोमा की का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद सिंपली से आपको क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको इनेबल ऑन कर देना है, ठीक है। देखिए इनेबल ऑन हो चुका है। आप यहां से देखिए की कलर डिटेल्स कर्व और शो मार्क, आपको की कलर में जिस कलर का आपका वीडियो बैकग्राउंड है, जिस वीडियो में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस की कलर में आपको ये ले लेना है, ठीक है। तो मेरा ब्लू कलर का है तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। देखिए ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको डिटेल कर्व का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको एडजस्ट करना है जो वीडियो का बैकग्राउंड है किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से आपको एडजस्ट करना है वीडियो को, इस तरह से एडजस्ट करना है। देखिए इस तरह से आपको वीडियो के बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेना है, देखिए कितने सिंपली तरीके से वीडियो एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। देखिए मेरा वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली से ओके पे क्लिक कर देना है, देखिए इस तरह से वीडियो को आप बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है। देखिए इस तरह से वीडियो चेंज, उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें यदि आप दूसरा भी जो बैकग्राउंड इसे भी लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली से यहाँ पर आना है, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और दूसरा यदि बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो देखिए दूसरा बैकग्राउंड आ चुका है, देखिए इस तरह से बैकग्राउंड आ चुका है। इस तरह से आपको सिंपली से कर देना है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बीच में कोई इफेक्ट डालना है तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारे इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई एक इफेक्ट ले लेना है, तो मैं एक इफेक्ट ले लेता हूँ, एक मिनट, देखिए इस तरह से इफेक्ट ले लिया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ किस तरह से मेरा वीडियो का बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। देखिए मेरा वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आपको दोस्तों वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। तो दोस्तों ये मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।